हेलो फ्रेंड्स, आज हम अलग तरह से निटिंग करना सीखेंगे। स्क्वायर निटिंग, चौरस जो है टिकिया बनाना सीखेंगे। देखिए, इसके लिए एक तो हमने सर्कुलर नीडल्स लेनी है। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप जो है डबल पॉइंटेड जो गले वाली सिलाई होती है वो ले सकते हैं। ये 3 mm साइज है, 11 नंबर की सिलाई है और ये मैंने बेबी वूल ली है। और सबसे जरूरी हमें एक मार्कर चाहिए, जो हमने रो की जो फर्स्ट स्टिच है उसे मार्क करना है ताकि हमारा राउंड जो है वो गलत ना हो। तो अब देखिए, सबसे पहले इसमें हमने फंदे कास्ट ऑन करने हैं। फंदे कास्ट ऑन भी हम सर्कुलर स्टाइल में ही करेंगे, जिसे पिन होल कास्ट ऑन बोलते हैं। देखिए कैसे, जैसे हम गांठ लगाते हैं ऐसे दो उंगली पे इस तरह से धागा लपेटेंगे और ये जो हमने अब इस तरह से लूप बनाया है इसे हम सिलाई पे इस तरह से उतार लेंगे। इसे उतारने के बाद हमने देखिए, इस जो हमारी वर्किंग यार्न है ये वाली, इसे अब इस हाथ में ले लेंगे, राइट हैंड पे ले लेंगे। और जो दूसरी सिलाई है इससे अब हमने इस वाले फंदे को पहले ऐसे सीधा बुन लेना है। ये देखिए, जो ये हमने लूज लूप रखा है ये हमारा इस तरह से खींचना चाहिए, यहाँ पे गांठ नहीं बननी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना होगा। अब ये क्योंकि हमें स्क्वायर हमने बनाना है तो हमें जो है चार साइड्स के लिए दो दो फंदे कास्ट ऑन करने होंगे, तो हम टोटल 8 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। इसी तरह से देखिए, इस ऐसे हमने लूप निकाला और इस निडल की हेल्प से इस लूप को हमने सीधा बुन लेना है। 2, फिर से एक लूप निकालेंगे और फिर से इस निडल की हेल्प से जो है इसे सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने 8 कास्ट ऑन कर लेने हैं। 4, ये देखिए, इसमें गांठ नहीं बननी चाहिए, इस बात का भी आपको साथ में ध्यान रखना होगा। ये देखिए, फिर 5, आप चाहें तो क्रोशे हुक से भी कर सकते हैं। अगर आप क्रोशिया जानते हैं तो क्रोशे हुक से ये और भी इजी होता है। और क्योंकि हम निटिंग पैटर्न बना रहे हैं इसलिए मैं आपको सारा निटिंग में ही बता रही हूँ। ये देखिए, अब हमने 6 कास्ट ऑन कर लिए हैं। 2 और हम इसी तरह से कर लेंगे, 2 फंदे हम और इसी तरह से कास्ट ऑन कर लेंगे। कास्ट ऑन 8 यूजिंग पिन होल निटिंग मेथड। ये देखिए, अब हमने इन ये जो हमने छोड़ा था लूज एंड धागे का, इसे हम इस तरह से खींचकर टाइट कर लेंगे, ये ऐसे। तो ये हमने 8 जो है कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब जो हमारा पहला फंदा था जो हमने कास्ट ऑन किया था, ये देखिए, इसे हम मार्क कर लेंगे ताकि हमारा जो है जो हम रो स्टार्ट करेंगे तो हम भूले नहीं और गलत ना हो पैटर्न, तो हम पहले फंदे को मार्क कर लेंगे ऐसे। अब देखिए, हमने दो दो जो है चारों साइड के लिए फंदे मार्क किए थे, अभी इसमें से हम 4 फंदे जो है दूसरे निडल पर ले जाएंगे। इस तरह से आधे आधे हम फंदे दोनों सिलाई पे शिफ्ट कर लेंगे, इस तरह इसे हम इस निडल पर ले आएंगे ऐसे। और क्योंकि अभी हमने इन फंदों को बुनना है तो इन जो दूसरे फंदे हैं इन्हें अभी हम इस जो है स्ट्रिंग इसी पे रहने देंगे, जो ये रस्सी है इसी पे रहने देंगे। अब ये जो 4 फंदे हैं, देखिए, अब हम यहाँ पे क्योंकि सर्कुलर निटिंग में राइट और रॉन्ग साइड नहीं होती है, सिर्फ राइट ही साइड होती है, तो हम फर्स्ट राउंड बुनने जा रहे हैं। पहला राउंड इसमें देखिए हमने क्या करना है, ये 4 फंदे हमारे 2 साइड्स के फंदे हैं, 2 एक साइड के, 2 दूसरी साइड के। तो जो एक साइड के 2 फंदे हैं देखिए उन्हें कैसे बुनना है, एक फंदा सीधा, फिर इस तरह से 2 बार धागा लपेटेंगे और एक फंदा सीधा, तो ये डबल जाली हम बना लेंगे यहाँ पे। अब यही हमने इन 2 फंदों में भी करना है और ये जो 2 हमारे इस तरफ हैं 2 फंदे, इनमें भी यही करना है, एक फंदा सीधा फिर डबल जाली फिर एक फंदा सीधा। अब हम इन फंदों को शुरू की 3-4 लाइंस में फ्रेंड्स आपको ये प्रॉब्लम आएगी, इस तरह से आपको ये बदलने होंगे फंदे, क्योंकि अब हमने ये वाले बुनने हैं तो इन्हें हम आगे लेकर आएंगे और ये जिन्हें हम बुन चुके हैं इन्हें हम उतार लेंगे। अब ये वाले 4 फंदे भी हमने ऐसे ही बुनने हैं, जो हमारा पैटर्न है ये हमारा 4 बार रिपीट होना है। देखिए, एक फंदा सीधा फिर धागा 2 बार लपेटेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधा फिर धागा 2 बार लपेटेंगे, एक फंदा सीधा। तो ऐसे हमने
फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया। अब जो सेकंड राउंड है, क्योंकि जब हम उल्टा सीधा बुनते हैं, उल्टी रॉन्ग साइड से हम जो है मोस्टली हमारे पैटर्न में रॉन्ग साइड जो होती है वो उल्टी आती है, तो क्योंकि इस तरफ हमने उसी जो साइड को बुनना है तो इसे हम आगे लेकर आएंगे और इन फंदों को उतार लेंगे ऐसे। और देखिए अब हमने ये सारे फंदे सीधे ही बुनने हैं सेकंड राउंड, और हर हमने इवन नंबर की जो रो होगी, जैसे सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ, छठी, आठवीं, दसवीं सिलाई सारी हमने सीधी सीधी बुननी है, और जो ऑड नंबर की रोज होंगी उनमें हमने पैटर्न बनाना है। तो यहाँ पे हम इस फंदे को सीधा बुनेंगे। एक रो में मैं आपको बता दूंगी कि ये जो डबल जाली है इसे हम कैसे बुनेंगे। एक बार हम इसे ऐसे सीधा बुनेंगे और एक बार हम इसे बैक लूप से सीधा बुनेंगे। तो हमने इस डबल जाली के दो फंदे बना लेने हैं और एक फंदा हमने ये सीधा बुन लेना, फिर ये फंदा सीधा। अब इस डबल जाली के फिर हम दो फंदे बना लेंगे ऐसे, फिर ये फंदा सीधा। तो इस तरह से अब हम ये वाले जो है फंदे इन्हें भी बुन लेंगे। अभी मैं आपको एक जो है राउंड पूरा करके बता देती हूँ सीधे फंदों वाला। ये हमारा सेकंड राउंड ही चल रहा है। ये अब इन फंदों को भी वैसे ही सीधा बुनेंगे, एक सीधा बुनेंगे, फिर जो डबल जाली है उसको एक बार नॉर्मल ऐसे सीधा बुनेंगे और एक बार बैक लूप से सीधा बुनेंगे। तो ये हम सारे फंदे सीधे बुन लेते हैं। देखिए अब फिर इसके बाद जो हमारा है थर्ड राउंड स्टार्ट होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको हर फंदा ध्यान से बुनना होगा। एक फंदा भी अगर आपका छूट गया तो आपका पूरा पैटर्न जो है वो गलत हो जाएगा। अब देखिए थर्ड राउंड, ये देखिए इसमें हमने क्या करना है, पहले हमने दो फंदे अब सीधे बुनने हैं। एक ये फंदा सीधा बुना, एक ये जाली जो हमने बनाई थी ये फंदा भी सीधा बुना। अब फिर यहाँ पे हमने डबल जाली बनानी है, दो बार धागा लपेटेंगे और जो दूसरी जाली है उस वाला फंदा भी हम सीधा बुनेंगे, और ये एक फंदा जो हम बुन रहे थे इसे भी सीधा बुनेंगे। तो ये हमने अब छह फंदे बना लिए। यही हमने इन चार फंदों में करना है, एक फंदा सीधा, फिर ये जाली वाला फंदा सीधा, फिर डबल जाली, फिर ये दो फंदे भी सीधे बुन लेंगे। वन, इस तरफ भी यही करेंगे इन फंदों में, क्योंकि ये हमारे अभी चार सेट्स बने हुए हैं और चारों सेट्स हमने एक जैसे ही बुनने हैं। ये देखिए अब इन दो फंदों को पहले सीधा बुनेंगे, वन टू, फिर दोबारा धागा लपेटेंगे और फिर इन दो फंदों को सीधा बुनेंगे। अब ऐसा ही हमने इस सेट में करना है, दो फंदे सीधे। आप चाहें तो इन चारों सेट को जो है मार्क कर सकते हैं, फिर ये दो फंदे सीधे। तो इस तरह से हमने ये थर्ड राउंड कंप्लीट कर लिया। अब फोर्थ राउंड में हम फिर सारे फंदे सीधे बुन लेंगे, डबल जाली जो है उसके हम दो फंदे बना लेंगे। तो फोर्थ राउंड सारा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमने फोर्थ राउंड कम्प्लीट कर लिया है, और अभी हमारे पास टोटल 24, 12 इस तरफ और 12 इस तरफ, 12, तो 24, 24 फंदे हैं फ्रेंड्स। अब फिफ्थ राउंड करेंगे हम, इसमें देखिए क्या करना है, बहुत इजी राउंड है। दो फंदे अब हमारे पास, क्योंकि छः छः का सेट बन गया है चार सेट, तो पहले सेट को बुनेंगे, उसके बाद बाकी के तीन भी वैसे ही बुनने हैं। दो फंदे सीधे, धागा आगे, दो फंदे सीधे, धागा आगे, दो फंदे सीधे। तो यही जो है हमने अब रिपीट करना है, फिर यही करेंगे, दो फंदे सीधे, धागा आगे, दो फंदे सीधे। इस बार हम डबल जाली नहीं बनाएंगे, सिंगल जाली बनाएंगे, फिर धागा आगे और फिर दो फंदे सीधे। तो ये हमने इस तरफ के फंदे बुन लिए, अब यही हमने इस तरफ के फंदे बुनने हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको एक दो राउंड तो पूरे पूरे करके बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको
एक साइड के बताऊंगी, बाकी क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत हो जाएगी इसलिए हमने बाकी खुद ही करना है। एक बार फिर मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। ये देखिए, तो इस तरफ भी हमने यही करना है, दो फंदे सीधे, फिर धागा आगे, दो फंदे सीधे, फिर धागा आगे, दो फंदे सीधे। तो ये छह फंदे हमने बुन लिए। अब ऐसे ही बाकी के छह फंदे बुनने हैं, दो फंदे सीधे, धागा आगे, दो फंदे सीधे, धागा आगे, दो फंदे सीधे। और अब हमने फिर से जो है सिक्स राउंड, छठा राउंड जो है वो सारे फंदे सीधे बुनकर कंप्लीट कर लेना है। तो अभी हम ये सारे फंदे जो है सीधे बुन लेते हैं। इस राउंड में हमने डबल जाली नहीं बुनी है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। जैसे हमने ये दो फंदे सीधे बुन लिए, अब ये जाली वाला फंदा जो है ये क्योंकि सिंगल जाली है तो हमने एक ही बार बुनना है और फिर हम दो फंदे ये वाले सीधे बुन लेंगे। तो अभी हम ये सिक्स राउंड बुन रहे हैं, इसे हम पूरा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। और ये हमने सिक्स राउंड कंप्लीट कर लिया। अभी हमारे पास 32 फंदे हैं। फ्रेंड्स, आपको जो है स्टिच काउंट, फंदों के जो नंबर है वो भी ध्यान रखना होगा। अब देखिए, सेवन्थ राउंड, सातवां राउंड, इसमें क्या करना है, दो फंदे सीधे बुनेंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे धागा आगे लाके जाली बनाएंगे। अब ये हमने बीच के चार फंदे सीधे बुन लेने हैं, 1, 2, 3, 4, फिर धागा आगे लाएंगे और दो फंदे सीधे बुन लेंगे। तो ऐसे हमने जो है एक सेट कंप्लीट कर लिया। अब यही हमने जो फंदे हैं तीन बार और रिपीट करने हैं। देखिए, दो फंदे सीधे, धागा आगे, चार फंदे सीधे, धागा आगे, दो फंदे सीधे। तो यही हम अब दूसरी तरफ भी बनाकर ये राउंड, ये वाला राउंड जो है ये कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिएगा, हमने ये सेवेंथ राउंड बना लिया। अब एट राउंड में फिर से हम सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। तो एट राउंड सारे फंदे सीधे बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने एट राउंड्स कंप्लीट कर लिया। अभी हमारे पास 40 स्टिचेस हो गए हैं, 40 फंदे हो गए हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम पैटर्न वाली रो बुन रहे हैं तो हमारे 8 फंदे हर बार बढ़ रहे हैं। तो अभी हमारे पास 40 स्टिचेस हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, 9th रो ध्यान से देखिएगा। हमने सबसे पहले यहाँ पे जो है जाली बनानी है, यार्न ओवर करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए धागे को इस तरफ को लेकर आएंगे और ऐसे हम बुनेंगे, धागा हमारा आगे रहेगा। अब इस फंदे को बुनेंगे तो ये हमारी जाली बन गई, ऐसे इसे थोड़ा सा टाइट रखेंगे। तो ये हमने एक फंदा ये बुन लिया, अगला फंदा भी हम सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ हम एक जाली बनाएंगे, धागा आगे लाएंगे, जाली बनेगी, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। ये देखिए, अगले ये जो हमारे चार फंदे हैं इनमें से हमने दो फंदों का एक बना देना है, दो का एक बनाया। अब यहाँ हम डबल जाली बनाएंगे और फिर दो फंदों को हमने स्लिप स्लिप और इस तरह से निट बैक लूप से दो का एक कर देंगे। तो एक दो का हमने ये कर दिया और एक दो का हमने ये एक कर दिया। अब फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लाएंगे और दो फंदे सीधे। तो यही हमने, ये जो फंदे हमने अभी बुने यही हमने आगे भी रिपीट करने हैं। पहले हम धागा आगे लाएंगे, उसके बाद दो फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, फिर धागा आगे लाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर दो फंदे एक साथ सीधे, दो का एक, फिर दो बार जाली बनाएंगे, डबल जाली बनाएंगे, फिर स्लिप स्लिप और बैक साइड से इन दोनों का एक बना देंगे। फिर से एक फंदा सीधा, फिर यहाँ धागा आगे लाएंगे और फिर दो फंदे सीधे। तो यही हमने जो है इस तरफ के जो ये फंदे हैं यहाँ पे भी हमने यही कर लेना है, लेकिन धागा आगे करके जाली बनाना नहीं भूलिएगा। मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। देखिए, इस तरह से हमने जब इस फंदे को बुनना है, ये देखिए, तब हमारा ये जो धागा है, वर्किंग यार्न है, ये हमारी
आगे की तरफ को रहेगी इस तरह से। ये यार्न ओवर हो गया। अब फिर हमने जैसे पहले बुना वैसे ही इन फंदों को भी बुनेंगे। दो सीधे बुनने के बाद हम धागा आगे लाएंगे और फिर जो है एक फंदा सीधा बुनेंगे और फिर दो फंदे एक साथ। तो जो हमने इस तरफ किया था वही हम यहाँ पे भी कर लेंगे। ये नाइन्थ राउंड हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब टेंथ राउंड फिर से हम सारे फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए पहला हमारा जो यार्न ओवर था इसे हम ऐसे ही सीधा बुनेंगे और जो हमने यार्न ओवर दो बार धागा लपेट कर बुना था, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, जो हमने ये देखिए दो बार धागा लपेट कर बुना है तो इसे एक बार ऐसे बुनेंगे और एक बार बैक लूप से बुनेंगे। तो ये हम सारे फंदे ऐसे ही सीधे बुन लेते हैं, नीट ऑल द स्टिचेस। ये देखिए टेंथ रो बुनने के बाद हमारे पास अब 52 फंदे हो चुके हैं दसवीं सिलाई बुनने के बाद। अब ग्यारहवीं सिलाई 11th राउंड ध्यान से देखिएगा, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लाएंगे, फिर दो फंदे सीधे बुनेंगे 1 2, फिर धागा आगे लाएंगे, दो फंदे एक साथ बुनेंगे, दो का एक करेंगे, फिर दो बार धागा लपेटेंगे, डबल जाली बनाएंगे, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, दूसरा स्लिप करेंगे और दोनों को इस तरह से बैक लूप से सीधा बुन देंगे। अब दो फंदे एक साथ सीधे, धागा आगे और डबल जाली, फिर दो फंदों को स्लिप करके बैक लूप से इस तरह से दो का एक कर देंगे, फिर धागा आगे और दो फंदे सीधे, फिर धागा आगे लाकर यहाँ पे हमारी जाली बनेगी। अब फिर यही हमने जो फंदे बनाए यही रिपीट करने हैं। देखिए एक फंदा सीधा, धागा आगे, फिर दो फंदे सीधे, धागा आगे, दो फंदे एक साथ सीधे, फिर डबल जाली, फिर स्लिप स्लिप और दो फंदे एक साथ बैक लूप से सीधे, फिर दो फंदे एक साथ सीधे, फिर से धागा आगे, डबल जाली, उसके बाद स्लिप स्लिप और बैक लूप से दो का एक कर देंगे, फिर से धागा आगे, दो फंदे सीधे 1 2 और फिर यहां पे धागा आगे करके जाली बनाएंगे। अब यही जो हमने यहाँ पे बुने हैं दो बार फंदे वही फंदे हम यहाँ पे भी बुन लेंगे। तो ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये हमने 11th रो कंप्लीट कर ली है। 12th रो में हमने सारे फंदे सीधे बुने हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा आपको कि हमारा इस यहाँ पे भी लास्ट फंदा यार्न ओवर ही है। तो हम जो है इस धागे को इस तरह से घुमा के यार्न ओवर यहीं पे इस तरह बना लेंगे। ये देखिए यार्न ओवर बन गया। अब हम इन फंदों को सीधा बुन लेंगे रो 12। तो ये सारे फंदे हम सीधे बुन लेते हैं, जहाँ डबल जाली है वो दो बार बुन लेंगे। ये 12th रो हमारी हो चुकी है 12वीं सिलाई और अभी हमारे पास 68 फंदे हैं। अब देखिए 13th रो 13वीं सिलाई, इसे ध्यान से देखिए। देखिए हमारा पैटर्न बनना शुरू हो गया है। पहले फंदे को सीधा बुनेंगे, इसमें हम कोई फंदा स्लिप नहीं करते हैं यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट स्टिच कोई भी नहीं है। अभी पहला फंदा हमने सीधा बुना, फिर धागा आगे लाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लाएंगे, तीन फंदे सीधे 1 2 3, फिर धागा आगे लाएंगे, दो फंदे एक साथ दो का एक करेंगे इस तरह से, फिर दो फंदों को स्लिप करेंगे और बैक लूप से दो का एक करेंगे इस तरह से। अब यहाँ फिर हम डबल जाली बनाएंगे, फिर दो फंदे एक साथ सीधे बुनेंगे, फिर दो फंदों को स्लिप स्लिप
और दो का एक कर देंगे। फिर धागा आगे लाएंगे, तीन फंदे सीधे, वन टू थ्री। फिर धागा आगे लाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लाएंगे, और यही हमने जो है फंदे रिपीट करने हैं। जो इतने फंदे हमने बुने हैं यही हम यहाँ बुनेंगे, यही हमने दो बार यहाँ बुनना है। देखिए धागा आगे ले आए हैं, अब फिर यही करेंगे। देखिए एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, तीन फंदे सीधे, वन टू थ्री। फिर धागा आगे, दो फंदे एक साथ, दो का एक करेंगे। फिर दो फंदों को स्लिप करके इस तरह से बैक लूप से दो का एक करेंगे। अब यहाँ डबल जाली बनाएंगे, फिर दो फंदे एक साथ, दो का एक, फिर स्लिप स्लिप और दो को बैक लूप से एक साथ ऐसे सीधा बुनेंगे। फिर धागा आगे, तीन फंदे सीधे, वन टू थ्री। फिर धागा आगे, एक फंदा सीधा, और फिर यहाँ पे धागा हमने आगे करके एक जाली बनानी है। तो जब हम अगली रोज सीधी बुनेंगे सारी, तब ये जाली जो है हमारी ये बन जाएगी। देखिए कैसे, ये देखिए इसे हमने यहां से निकाला। जब हम 14th रो बुनेंगे तब ये जो हमारा धागा है ये इसके ऊपर से इस तरह से निकल कर आएगा, ऐसे यहां से निकल कर आएगा। अब हम इसे सीधा बुनेंगे, तो ये हमारा इस रो के एंड में यार्न ओवर बन गया। अब फिर इसे थोड़ा सा खींच लेंगे और सारे फंदे सीधे बुनेंगे, जहां डबल जाली है उसे दो बार बुनेंगे। तो ये सारे फंदे सीधे बुन लेते हैं 14th राउंड के, 14वीं जो सिलाई है उसके। ये देखिए 14th राउंड हम सीधा बुन चुके हैं, 14वीं सिलाई सीधी बुन चुके हैं। अब 15th राउंड 15वीं सिलाई देखिएगा। पहले ये देखिए, ये जो एक फंदा है इसे हम सीधा बुनेंगे, नेट वन, धागा आगे लेकर आएंगे। अब हमने अगले तीन फंदे ये जो है इन तीनों को सीधा बुनना है, वन टू, ये जाली वाला फंदा, थ्री। अब फिर धागा आगे लेकर आएंगे, और ये जो दो फंदे नीचे से चल रहे थे देखिए इनको हमने स्लिप करना है, स्लिप करना है, और दोनों को बैक लूप से सीधा बुन देना है ऐसे के। अब दो फंदे सीधे बुनेंगे, वन टू, दो फंदे सीधे बुने। अब धागा आगे लेकर आएंगे और दो फंदों को ऐसे जैसे सीधा बुनते हैं ऐसे स्लिप करेंगे, एक दो, ऐसे स्लिप किया। अब एक फंदे को सीधा बुनेंगे और इन दोनों फंदों को इसके ऊपर से पास कर देंगे, यानी कि हमने तीन फंदों का एक फंदा बना लेना है ऐसे। ये देखिए ये हमने तीन फंदों का एक बना लिया। अब यही हम फिर से करेंगे, दो फंदों को स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और जो स्लिप किए दो फंदे हैं इन्हें ऊपर से इस तरह से पास कर देंगे, वन टू। अब फिर धागा आगे लेकर आएंगे और दो फंदे सीधे बुनेंगे, वन टू। अब दो फंदे हमने एक साथ सीधे बुने, देखिए दो फंदों को हमने इधर एक साथ सीधा बुना है इस तरफ को। अब इन दो फंदों को हम नॉर्मली दो का एक करेंगे। अब धागा आगे लेकर आएंगे, तीन फंदे सीधे बुनेंगे, वन टू थ्री। अब फिर से धागा आगे लेकर आएंगे और फिर हमने यही फंदे रिपीट करने हैं जो हमने ये बुने, तो इन्हें हम अब रिपीट कर लेंगे। पहले एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर तीन सीधे बुनेंगे, तो यही हमने फंदे रिपीट करने हैं। तो ये हम चार बार, एक बार ये और दो बार यहाँ पे, तो तीन बार और इसी तरह से बनाकर ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 15th राउंड कंप्लीट कर लिया है 15वीं सिलाई।
अब 16th राउंड, 16वीं सिलाई में हमने सारे फंदे सीधे बुने, लेकिन धागा हमारा इस तरफ से रहेगा क्योंकि हमने लास्ट में जो है यार्न ओवर करना था, जाली बनानी थी, तो हम ऐसे फंदों को सीधा बुनेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि एक भी फंदा अगर आपका छूट जाता है, जाली बनाना भूल जाते हैं, तो सारा पैटर्न आपका गलत हो सकता है। तो अब हम ये सारे फंदे 16th राउंड के सीधे बुन लेंगे। ये जाली जो है ये हमारी, ये देखिए यहाँ पे आएगी। इस जाली को हमने फाइनली इस रो में ही ले लेना है इस तरह से, और ये फंदे हमारे जो है ये सीधे चलते जाएंगे अब, क्योंकि ये जाली हमारी इसी राउंड के एंड में थी। तो ये हम सारे फंदे सीधे बुन लेते हैं 16th रो के। ये हमने 16th राउंड के सारे फंदे सीधे बुन लिए हैं। अभी हमारे पास टोटल 84 फंदे हैं फ्रेंड्स। तो आपको मैं साथ साथ में टोटल फंदे भी बताती जाऊंगी ताकि आपको जो है अगर कोई गलती हुई होगी तो आप फंदे काउंट करके वो पॉइंट आउट कर सकते हैं। अब देखिए 17th रो 17वीं सिलाई, फिर से ध्यान से देखिएगा। पहले एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लाएंगे और पांच फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5 पांच फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से धागा आगे लाएंगे और फिर से दो फंदों को स्लिप स्लिप और निट ऐसे इसके दो फंदों का इस तरह से घुमाकर एक बनाना। अब फिर दो फंदे सीधे, फिर दो फंदों का नॉर्मली जैसे एक बनाते हैं निट टू टुगेदर, फिर से दो फंदे सीधे 1, 2 फिर से दो फंदों का एक नॉर्मल, धागा आगे, पांच फंदे सीधे 1, 2, 3, 4, 5 पांच फंदे सीधे, फिर धागा आगे, और फिर से हमने यही रिपीट करने हैं फंदे जो है। एक फंदा पहले सीधा बुना था हमने, तो वैसे ही एक फंदा ये सीधा फिर धागा आगे, तो यही हमने रिपीट करने हैं फंदे। तो तीन बार और हम इन्हें रिपीट कर लेंगे। अब 16th राउंड, 16वीं सिलाई में हमने सारे फंदे सीधे बुने, लेकिन धागा हमारा इस तरफ से रहेगा क्योंकि हमने लास्ट में जो है यार्न ओवर करना था, जाली बनानी थी, तो हम ऐसे फंदों को सीधा बुनेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि एक भी फंदा अगर आपका छूट जाता है, जाली बनाना भूल जाते हैं, तो सारा पैटर्न आपका गलत हो सकता है। तो अब हम ये सारे फंदे 16th राउंड के सीधे बुन लेंगे। ये जाली जो है ये हमारी, ये देखिए यहाँ पे आएगी। इस जाली को हमने फाइनली इस रो में ही ले लेना है इस तरह से, और ये फंदे हमारे जो है ये सीधे चलते जाएंगे अब, क्योंकि ये जाली हमारी इसी राउंड के एंड में थी। तो ये हम सारे फंदे सीधे बुन लेते हैं 16th रो के। ये हमने 16th राउंड के सारे फंदे सीधे बुन लिए हैं। अभी हमारे पास टोटल 84 फंदे हैं फ्रेंड्स। तो आपको मैं साथ साथ में टोटल फंदे भी बताती जाऊंगी ताकि आपको जो है अगर कोई गलती हुई होगी तो आप फंदे काउंट करके वो पॉइंट आउट कर सकते हैं। ये हम 17th राउंड कंप्लीट कर चुके हैं और 18th राउंड के लिए फिर से हमने यार्न ओवर करना है क्योंकि हमने यहाँ पे लास्ट में एक जाली बनानी थी। तो हम धागे को इस तरह से घुमाकर और फिर इन फंदों को सीधा बुनेंगे। देखिए ऐसे इस यार्न ओवर को बनाना कभी नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। तो अगर आपके रो में यार्न ओवर दिखाया है, लास्ट में जाली दिखाई है, तो जरूर बनाइएगा। अब देखिए फिर इन सारे फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। निट ऑल द स्टिचेस इन राउंड 18th, निट ऑल। तो ये हम 18th राउंड 18वीं जो रो है उसे कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हमारे पास टोटल 88 फंदे हैं फ्रेंड्स। अब देखिए रो 19th राउंड 19वां राउंड, इसमें क्या करना है, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर से धागा आगे लाएंगे और दो फंदों को स्लिप स्लिप और बैक लूप से एक साथ सीधा बुन देंगे ऐसे इसके स्लिप स्लिप निट ऐसे। अब फिर एक फंदा सीधा, दो फंदों का एक बनाएंगे निट टू टुगेदर, फिर धागा आगे लाएंगे, एक फंदा सीधा,
फिर धागा आगे लाएंगे, स्लिप स्लिप और बैक लूप से निट कर देंगे, सीधा बुन देंगे। अब तीन फंदे सीधे बनेंगे, 1 2 3, फिर दो फंदे एक साथ सीधे बुन के दो का एक कर देंगे, नेट टू टुगेदर, फिर धागा आगे एक फंदा सीधा, नेट 1, फिर धागा आगे स्लिप स्लिप और दोनों को बैक लूप से ऐसे सीधा बुन देंगे, स्लिप स्लिप नेट। अब फिर एक फंदा सीधा, दो फंदों का एक, नेट टू टुगेदर, धागा आगे एक फंदा सीधा और फिर से धागा आगे। धागा आगे के बाद हमने फिर से यहां से, यहां से जहां से बुनना शुरू किया है, यहां से यहां तक रिपीट करेंगे, यहां और फिर दो बार इस तरफ। तो अभी हम ये फिर से रिपीट कर लेंगे, पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने राउंड 19th इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब धागा आगे लाएंगे क्योंकि हमारे राउंड जो है लास्ट में यार्न ओवर आ रहा है, जाली आ रही है। अब हमने फिर से 20th रो में 20वीं सिलाई में सारे फंदे, ये देखिए धागा हमारा इस तरह से घूम के आएगा और यहां हम सारे फंदों को सीधा बुन लेंगे। ऑल द स्टिचेस इन रो 20, राउंड 20, तो ये सारे फंदे सीधे बुन लेते हैं। ये देखिए हमने ये 20th राउंड, 20वीं जो राउंड है वो कंप्लीट कर लिया है और अभी हमारे पास जो है वो 96 फंदे हैं फ्रेंड्स। अब देखिए 21st राउंड, 21वां राउंड, इसमें हमने क्या करना है, पहले एक फंदा सीधा बुनेंगे, अब धागा आगे लाएंगे, अब तीन फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, फिर से धागा आगे लाएंगे, दो फंदों को स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और जो दो हमने स्लिप किए थे इन्हें ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे, एक एक करके दोनों फंदों को गिरा देंगे। अब फिर धागा आगे लाएंगे, तीन फंदे सीधे बनेंगे, 1 2 3, फिर से धागा आगे, दो फंदों को स्लिप स्लिप और फिर बैक लूप से सीधा बुन देंगे, एक फंदा सीधा, दो फंदे एक साथ सीधे, दो का एक, निट टू टुगेदर, धागा आगे तीन फंदे सीधे, 1 2 3, फिर से धागा आगे और दो फंदों को स्लिप करेंगे, 1 2, एक को सीधा बुनेंगे और जिन्हें स्लिप किया था उन्हें ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे दोनों फंदों को। ये देखिए इस तरह से हमने ये ट्रायंगुलर जो है शेप बना ली। अब फिर हमने धागा आगे करना है, तीन फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3, फिर से धागा आगे करेंगे और यही फंदे हमने फिर से यहाँ पे रिपीट करने हैं और दो बार यहाँ। तो अब हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने 21वां राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब 22वें राउंड के लिए फिर से हमने धागा आगे लेकर आना है और फिर इन फंदों को ऐसे ही सीधा बुनना है। देखिए धागा यहाँ से ऐसे घूम कर आएगा क्योंकि लास्ट की जाली हमारी बननी है और अब हम फिर इन सारे फंदों को सीधा बुन लेंगे। राउंड 22nd, नेट ऑल द स्टिचेस, नेट ऑल, सारे सीधे बुन लेंगे। ये हमारा 22वां राइंड राउंड 22nd राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया है। सॉरी, अब हमने 23वां राउंड कंप्लीट बनाना है। ये देखिए अभी हमारा धागा पीछे रहेगा क्योंकि हमने अभी राउंड स्टार्ट करना है 23rd। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास टोटल 104 फंदे हैं फ्रेंड्स। तो 104 स्टिचेस आपने काउंट कर लेने हैं। अब राउंड 13 जो 23rd है वो हमारा लास्ट राउंड है। देखिए एक फंदे को हमने सीधा बुनना है, धागा आगे लाएंगे, पांच फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3
फोर फाइव। ये देखिए अब धागा आगे लाएंगे और ये एक फंदा है इसे सीधा बुन लेंगे, फिर धागा आगे लाएंगे पांच फंदे सीधे बुन लेंगे। वन, ये बहुत सिंपल सा राउंड है, पांच फंदे फिर हम सीधे बुन लेंगे। थ्री फोर फाइव, अब फिर से धागा आगे लाएंगे, दो फंदों को स्लिप करेंगे, एक को सीधा बुनेंगे और जो दो स्लिप किए थे इन्हें ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे। ये देखिए ये दो फंदे जो हमने ये तीन का एक बनाया, ये देखिए ये हमारा इस तरह से अब जो है बन गया है कॉर्नर। अब धागा आगे लाएंगे, फिर से पांच फंदे सीधे बुनेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव, फिर से धागा आगे, एक फंदा सीधा, फिर से धागा आगे पांच फंदे सीधे। वन टू थ्री फोर फाइव, फिर से धागा आगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे पांच फंदे सीधे। वन टू थ्री फोर फाइव, धागा आगे। तो फ्रेंड्स ये जो हमने यहां तक, ये हमने एक फंदा जो बुना यहां तक, हमने ये रिपीट करने हैं तीन बार, तो ये रिपीट कर लेंगे हम। ये हमारा 23rd राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब धागा आगे लाकर हमने जो है नेक्स्ट राउंड के सारे फंदे फिर से सीधे बुन लेने हैं। 24th राउंड, 24वां जो है हमारा राउंड, इसमें हम सारे फंदे इस तरह से धागा घुमाकर लाएंगे और इन सारे फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो ये 24th राउंड जो है पूरे फंदे सीधे बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं, नीट ऑल द स्टिचेस। ये देखिए फ्रेंड्स 24th राउंड कंप्लीट करने के बाद अभी हमारे पास 128 स्टिचेस, 128 फंदे हैं। और जब हम इसे निडल से निकालेंगे तो ये हमें स्क्वायर जो है इस तरह से चौरस टिकिया एक मिल जाएगी, स्क्वायर बना हुआ है। अब आप चाहें तो इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे इसे हम बुनकर चारों तरफ टॉप का फ्रंट बना सकते हैं, या आप ये अलग अलग जो है स्क्वायर्स बनाकर उन्हें जोड़कर अलग अलग कलर्स में बनाकर स्टॉल बना सकते हैं, कुशन्स बना सकते हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो इससे आप बड़े आराम से बना सकते हैं। तो अभी हम इस पे थोड़ा सा बॉर्डर बनाएंगे क्योंकि हमें इसको अब यहीं पे बंद करना है बॉर्डर बनाकर। ये देखिएगा बॉर्डर के लिए ये जो हमारा एक एक चारों तरफ ये लाइन्स चल रही हैं जो कि हमारा कॉर्नर है, चार कॉर्नर्स हैं ये जो एक एक वाली लाइन, ये वाली, तो इन लाइन्स के फंदों को जो है हमने देखिए ऐसे उल्टा बुनते हुए तीन फंदे बनाने हैं। ऐसे एक बार बुनेंगे उल्टा, फिर ऐसे धागा घुमाएंगे, फिर एक उल्टा बना लेंगे। ये हमने कॉर्नर्स इस तरह से बनाने हैं, बाकी हम बीच के फंदे सारे उल्टे बुन लेंगे। वर्ल दी स्टिचेस, फिर नेक्स्ट कॉर्नर में फिर से हमने तीन का एक बनाना है। तो नेक्स्ट कॉर्नर हमारा जो बनेगा वो इस फंदे पे बनेगा। ये देखिए ये नीचे से एक फंदा चला रहा है, तो यहां तक पहले हम यहां तक उल्टा बुन लेते हैं। वर्ल द स्टिचेस टिल हेयर, ये देखिए यहां तक हमने इसे उल्टा बुन लिया है। अब इस स्टिच को हमने फिर से तीन बनाना है, मेक थ्री स्टिचेस पर्ल वाइज इस तरह से। फिर अगले हमने सारे फंदे जो है वो उल्टे बुनने हैं और फिर से जहां पे एक फंदा ये देखिए ये है तो इसके हमने तीन बनाए। तो इस तरह से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे उल्टे बुनते हुए। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने उल्टा बुनते हुए ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट राउंड में हमने बिना बढ़ाए सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं। एक राउंड में हमने उल्टे बुने और चार कॉर्नर्स पे फंदे बढ़ाए, अब इस राउंड में हम सारे फंदे बिना बढ़ाए सीधे बुन लेंगे। नेट ऑल द स्टिचेस विदाउट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये देखिए हमने ये सारे फंदे जो है सीधे बुन लिए हैं। अब फिर से हमने उल्टे फंदों की जब राउंड बुनना है, ये देखिए तो जो हमने पहले तीन फंदे बनाए थे उनमें से हम जो बीच वाला फंदा है उसके फिर से तीन बना लेंगे। तो ऐसे हम इसलिए बनाएंगे ताकि हमारे कॉर्नर्स जो है वो मुड़े नहीं, इस तरह से पॉइंटेड ही रहे कॉर्नर्स, तो इसलिए हम बीच का जो एक फंदा है उसके तीन बना लेंगे। बाकी हम पूरा राउंड जो है उल्टा बुनेंगे, चारों कॉर्नर्स में हमने तीन फंदे जो है ऐसे ही बना लेने हैं। ये हमने जो है फंदे सीधे बुन लिए। अब इस राउंड में मैंने जो है जाली बनानी है। देखिए आप अपने
हिसाब से सीधे भी बुन सकते हैं। जाली बनाने के लिए देखिए हमने क्या करना है, पहले तो इन फंदों को उतार लेंगे। एक फंदा पहले सीधा बुना, फिर ये फंदा भी सीधा बुनेंगे। अब यहां धागा आगे करेंगे, दो फंदों का एक बनाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर से धागा आगे, दो फंदों का एक बनाएंगे और एक फंदा सीधा। तो हमने ये पूरी रो ऐसे बना लेनी है। आप चाहे तो आप सारी रो सीधी बुनकर प्लेन बॉर्डर भी बना सकते हैं, मैं ये वाली रो जाली वाली बनाऊंगी। फ्रेंड्स, ये जाली वाला राउंड कंप्लीट कर लिया है हमने। अब हम दो ये उल्टे राउंड फिर से बनाएंगे, जिसमें हमने फिर से कॉर्नर्स बनाने हैं और फिर इन फंदों को कास्ट ऑफ कर देंगे। तो अब हम ये कास्ट ऑफ करके पूरा कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से दिखता है और इसकी क्या जो है डायमेंशंस रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये स्क्वायर अब हमने बाइंड ऑफ कर लिया है और ये बनकर तैयार हो गया है। बस अब हम ये थ्रेड जो है ये फिनिश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी इस पैटर्न को ट्राई कीजिएगा और इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको पहले बताया, अलग अलग कलर्स के बनाकर उनको ज्वाइन करके या फिर इसी को आगे बढ़ाकर कोई भी प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा ये पैटर्न है देखिए, तो इसे जरूर आप ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।